हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे CB3S3 पंप की टेस्टिंग के बारे में। कमास्तो मशीन का दोस्तों एक पंप है, तो हमने इसको मशीन पर लगाया, कनेक्शन कैसे करने हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसका इनलाइट लगा रखा है। ये हमने इसका इनलाइट लगाया, जो टैंक से डीजल खींचेगा, ये इसके अंदर जाएगा और दूसरी साइड से बाहर आएगा। तो यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से आपको लगा लेना। देखिए, यहाँ से इसके अंदर कनेक्शन जाएगा। यहाँ पर इसका इनलाइट है, अंदर गया। और यहाँ पर हमने वेन पंप प्रेशर की गेज लगा रखी है। आप देख सकते हो कि हमारा जो वेन पंप प्रेशर है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे 100 RPM पे हमारा जो वेन पंप प्रेशर 3 bar के आसपास आ रखा है, आप देख सकते हो। और ये हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न लगा रखी है। ये हमारी रिटर्न है, ये हमारी जो पंप की रिटर्न है ये वो हमने लगा रखी है। और यहाँ पे हमने नोजल लगा रखी है 300 bar की। और यहाँ पर हम वेन पंप प्रेशर वगैरह और डिलीवरी वगैरह चेक करेंगे कि हमारी जो डिलीवरी वो कितनी आ रही है मैनुअल तरीके से। तो 100 RPM पे दोस्तों हमने मशीन को चला रखा है। एंटी क्लॉक वाइज आप देख सकते हो, कमास्तो मशीन का दोस्तों ये पंप है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रोक लगाई है। देखिए, सिंगल स्ट्रोक पे हम चेक कर रहे हैं 100 RPM पे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 100 RPM हमारी जो डिलीवरी कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे वेन पंप प्रेशर हमारा 3 bar के आसपास आ रहा है 100 RPM पे। और जो हमारी डिलीवरी है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है 100 RPM पे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो, आप हमें कमेंट करके और मैसेज करके बता सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो डिलीवरी वो देख लेते हैं। 100 RPM पे क्लॉक वाइज हम इसकी डिलीवरी चेक कर रहे हैं सिंगल स्ट्रोक पे। तो यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी दोस्तों 110 के आसपास आ रही है, आप देख सकते हो। 100 RPM पे मशीन को चलाया क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे देखिए, 110 के आसपास हमारी जो डिलीवरी आ गई है। देखिए, 100 RPM पे 110 हमारी डिलीवरी आई है। अभी हम मशीन को जो है 500 RPM पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मशीन को 500 RPM पे चलाया है। और यहाँ पे हमारा वेन पंप प्रेशर वो भी देख लेते हैं, और जो हमारी डिलीवरी है वो भी चेक कर लेते हैं कि 500 RPM हमारी डिलीवरी कितनी आ रही है। जो हमारा वेन पंप प्रेशर आ रहा है 4.5 के आसपास आ रहा है, 4.5 bar के आसपास। और यहाँ पे डिलीवरी वो भी देख लेते हैं हम। तो स्टोक लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों स्टोक लगाई है। अभी यहाँ पे डिलीवरी चेक करेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी है वो भी 110 cc के आसपास आ रही है, आप देख सकते हो 500 RPM पे सिंगल स्ट्रोक पे। तो यहाँ पे हमारी डिलीवरी जो 110 के आसपास आ रही है। अभी हम मशीन को 1000 RPM पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने मशीन को 1000 RPM पे किया है सिंगल स्ट्रोक में। चेक करेंगे डिलीवरी, एंटी क्लॉक वाइज है दोस्तों। हमारा पंप चल रहा है, मशीन की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है। यहाँ पे हमारा जो वेन पंप प्रेशर है वो 5+ आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 5+ हमारा वेन पंप प्रेशर आ रहा है। और यहाँ पे हम स्ट्रोक चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने स्ट्रोक लगाई है। तो यहाँ पे हम डिलीवरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारी जो डिलीवरी है वो 110 cc के आसपास आ रही है। तो आप इस तरीके से पंप को मैनुअल चेक कर सकते हो। CB3S3 पंप है ये दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने पंप को जो है इसका स्विच को करंट नहीं दे रखा। अगर हम इसको करंट देंगे तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको करंट दिया तो यहाँ पर हमारी डिलीवरी आनी बंद होगी, आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे डिलीवरी आनी बंद होगी जैसे ही करंटों को निकाल देंगे। देखिए, जो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, देखिए हमने डिस्कनेक्ट करते हो, हमारी डिलीवरी आनी शुरू होगी। तो आप इस तरीके से पंप को चेक कर सकते हो। जैसे इसको क्लिप को लगाएंगे तो हमारी जो डिलीवरी वो बंद हो जाएगी। देखिए, हमने करंट दे दिया और डिलीवरी बंद होगी। जैसे वो डिस्कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ पर डिलीवरी आना शुरू हो जाती है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो।